सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और तुम्हारा भाई तुम्हार लगा से लेके आ चुका है यहाँ पे एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क सुपर मेगा मॉडेड सीरीज का। यस गाइस, सुपर मेगा मॉडेड सीरीज है गाइस, वो यहाँ पे वापस आ चुकी है। सीन ये हो गया था गाइस कि जो सुपर मेगा मॉडेड सीरीज है ना गाइस, उसमें इतने मॉड मैंने डाल रखे हैं ना कि अपना पुराना जीपीयू जो है गाइस वो लोड नहीं ले पा रहा था। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे थे हमारे जीपीयू का अपग्रेड होने का। और जो जीपीयू हमारा गाइस यहाँ पे गया था रिपेयर के लिए, वो वापस आ चुका है। और तुम्हारा भाई जो ना गाइस, वो भी वापस से सुपर मेगा मॉडेड सीरीज जहाँ से हम लोग ने गाइस पॉज करी थी वहां से वापस से लेके आ चुका है। तो आपको पता होगा कि हम लोग ने आर्क सुप्रीम वाले सारे बॉसेस की पुंगी जो है ना गाइस, सुप्रीम है ना, मे बी सुप्रीम है क्या, अरे क्या नाम है रे बाबा, आर्क पैराडोस क्या, हाँ आर्क पैराडोस वाले सारे बॉसेस की पुंगी जो है ना गाइस वो हम लोग ने फाइनली बजा दी थी। और अभी हम लोग को जो है ना गाइस यहाँ पे कुछ पावरफुल और खतरनाक वाले और बॉसेस को मारना है। वैसे इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉड इंस्टॉल कर रखे, तो मुझे पता नहीं गाइस कि अगला बॉस जो है ना गाइस वो कौन सा होने वाला है और अगली बॉस फाइट कैसे हम लोग ले सकते हैं, इसका कोई भी जो है ना गाइस मुझे आइडिया नहीं है। बट हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग जो है ना गाइस तरह के डायनोस पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि करे तो करे क्या। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास गार्डियन ग्रिफिन है ना। वैसे मैं भाई ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था हमारा गार्डियन वाला डायर वुल्फ, बराबर। चलो आज भाई गार्डियन ग्रिफिन को लेके चलते हैं और थोड़ा सा आजू बाजू देखते हैं कि कौन कौन से नए नए डायनोज। ओए वाटर वाइब्रन है, तो वाटर वाइब्रन आ चुका है। और क्या क्या है, ये पेगासस तो हम लोग ने वापस से ले लिया है ना। अच्छा ब्लेज 21 है, नॉट पेगासस, वाटर वाइब्रन है। वाटर वाइब्रन उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है गाइस, ठीक है, तो उसको हम लोग टेम नहीं करेंगे। चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग को और कौन कौन से भाई खतरनाक से। ओए व्हाट द हेल इज दिस, कौन सा तो बड़ा सा, ओए शिट, ओके ऑल राइट, ठीक है। प्रोमिथियस वाले ड्रैगन यहाँ पे भाई एकदम मजे मजे कर रहे। रुको गाइस, मुझे गार्डियन डायर वुल्फ जो है ना गाइस उसको निकालने दो, ठीक है। अपना गार्डियन वाला डायर वुल्फ कहाँ पे चला गया, अबे उसका नाम क्या था वुल्फ का, गार्डियन, अबे गार्डियन डायर वुल्फ कहाँ पे है, ये रह गया, ओ ये रह गई सर को गार्डियन डायर वुल्फ से जो ना गाइस मैं इन दोनों को फेवज करके टेम कर लेता हूँ। कुछ ज़्यादा ही जो ना कि उंगली कर रहे हैं हमारे बेस के साइड में। किधर गए भाई, अबे किधर गए, ये रहा। हेलो हेलो ड्रैगन सर, आवर यू ड्रैगन सर, कम 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 टू डैडी ब्रो, कम टू डैडी। अबे भाग रहे भाई क्या पट से, मेरी जान, रुक जा। अबे रुकना भाई, कहाँ भाग रहा है पहले इसको, बस बराबर। अबे इसको फायर और वो पॉइजन है, मे भी ना फायर और पॉइजन है। आना अंकल, अभी आप बोलोगे तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैं अटैक डाल रहा हूँ ना वो एग्रो हटाने वाला अटैक है। डायनोस अगर मेरे ऊपर एग्रो होंगे ना तो ये अटैक डाल के मैं उनको बोल सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे था ही नहीं, मैं उनके लिए इनविजिबल हो सकता हूँ, तो मेरे को मारेंगे नहीं गाइस। वो ये एग्रो हटाने वाला अटैक मैं कर रहा हूँ और चलना, अरे हो ना बेहोश भाई, अभी कितना टाइम लेगा ले बेटे। हाँ ड्रैगन एंटर है तेरा भाई, ओ यस ओके। प्रोमिथियस ब्रेन चाहिए ना तेरे लिए भी, अल्लाह के लिए मेरे पास प्रोमिथियस ब्रेन नहीं पड़ा भाई, मुझे घर से लेके आना पड़ेगा गाइस, ठीक है। चलो मुझे इतना पता है कि मैं घर पे प्रोमिथियस वाला ब्रेन जो है गाइस वो आसानी से बना सकता हूँ, और मुझे दो प्रेम प्रोमिथियस ब्रेन की जरूरत है। मैंने ड्रैगन तो पकड़ लिए लेकिन दोनों ड्रैगन थोड़े से लो लेवल के हैं, लेकिन कोई ना, चलो आ जाओ भाई मजे करेंगे। ब्रेन यहाँ पे बनेगा क्या, यस ओ यस ओ यस गाइस, तेरे भाई के पास दो प्रोमिथियस वाले ब्रेन आ चुके हैं और इसकी मदद से अभी हम लोग जाके डेथ ड्रैगन को टेम करने वाले मेरे भाई लोग। और गाइस अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कराए तो क्या कर रहे हो यार, कर दो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो गाइस, लेट्स गो। अभी वुल्फ को लेके चलते हैं लास्ट लोकेशन पे डीपी मारना, इतना ज्यादा दूर उड़ उड़ के क्यों चलना। और गाइस मैं लगभग भाई एक दो या तीन हफ्ते बाद में इस सर्वर में आया हूँ, तो मुझे लग रहा है काफी सारे डायनोस यहाँ पे स्पॉन हो चुके होंगे, तो मुझे एक बार डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनो करना पड़ेगा। वो यहाँ पे पेगासस है भाई, पेगासस को कौन पकड़ेगा, अभी तो हम लोग ड्रैगन पकड़ेंगे भाई, ड्रैगन ऑलराइट, ड्रैगन पकड़ेंगे हम लोग। ये ले यहाँ पे ब्रेन भाई, ब्रेन खा के टेम हो जा। हाँ यस भाई, प्रोमिथियस 412 लेवल का फायर ड्रैगन तुम्हारे भाई के पास आ चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ पॉइजन वाले ड्रैगन को भी पकड़ने के लिए, ठीक है। ओ ये कौन है भाई, अतरंगी लग रहा है, मीविंग एयर वाला, ओके ठीक है। और ये
मतलब गोलेम गाइस, गोलेम गाइस का मैं कुछ और ही बोलने वाला है। गोलेम का जो है ना गाइस नाम थोड़ा सा अलग ही था और मेरे मुंह से कुछ अलग ही निकलने वाला था। रुको गाइस, उस गोलेम को भी टेम कर लेते हैं, ठीक है भाई? डरे क्या? रुको गाइस, इस गोलेम को भी टेम करेंगे। ये 300 लेवल का पॉइजन वाला गाइस हमको ड्रैगन मिल चुका है। ये गोलेम को नॉकआउट कैसे करेंगे? हमारे पास है ना ब्रियू। ए, इसके ऊपर मैं यूज नहीं कर सकता? हाँ कर तो सकता हूँ भाई। हाँ मेरी जान, हो गया बेहोश, वही जिंगा लाला हो गाइस। लेट्स गो भाई, इतना इजी था गाइस को डेम करना? भाई मैंने एक एरो मारी डायरेक्टली बेहोश हो गया, तो मैंने इसको पहले क्यों नहीं डेम करा भाई? ये ले भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल खा ले और टेम हो जा भाई। वो इसका फूड बार भी फुल डाउन। ओ यस, तेरे भाई ने तो आज भाई एकदम तबाही मचा डाली यार। मैंने तो ड्रैगन को टेम करा और गाइस एक खतरनाक से अजीब से बेन बोल जोर गोलेम भाई, ठीक है? गोलेम इसको हम खाली गोलेम बोलेंगे भाई, ठीक है? और कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग ने एक गोलेम को भी टेम करा है जो कि भाई अजीब सा दिखने वाला गोलेम है और इसका नाम भी काफी ज्यादा अजीब है। चलो अभी इन सारे डायनोज को ना मैं अपने बेस पे लेके जाता हूँ और देख लेते गाइस कि ये जो डायनोज है इनके पास कौन कौन सी एबिलिटी। मुझे लग रहा है पॉइजन वाला ड्रैगन ना किसी को भी नॉकआउट कर सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। नॉकआउट करने वाली पावर जो ना गाइस, जो शायद से पॉइजन वाले ड्रैगन के अंदर जो ना गाइस जो यहाँ पे है, ठीक है? अबे अरे अरे हाँ पट से, ठीक है चलो। अभी गाइस मैं यहाँ पे पॉइजन वाला नहीं, दोनों ड्रैगन पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पे गोलेम को दिखा दूंगा, ठीक है? प्रोमेथियस, ये भी प्रोमेथियस है ना, और गार्डन ग्रिफिन है, ओके ठीक है। ये प्रोमेथियस वाला पॉइजन ड्रैगन है बराबर, इसके ऊपर मैं डायरेक्टली राइड नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे इसका सैडल बनाना पड़ेगा। भाई इसकी साइज देखना भाई, पूरा घर घेर लिया यार, काफी ज्यादा बड़ा ही है। रुको मुझे पहले ड्रैगन का सैडल बनाने दो। क्या नाम? मेक अ ड्रैगन सैडल, ड्रैगन पैराडाइज रॉक ड्रेक सैडल, ड्रैगन प्रोमेथियस पॉइजन। ओके ठीक है, ये रहा पॉइजन ड्रैगन एंड फायर ड्रैगन। और यहाँ पे एक और भाई ड्रैगन पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक ड्रैगन है, ठीक है? चलो इसको भी ढूंढ लेंगे गाइज, इसको भी ढूंढ लेंगे बहुत ज़्यादा जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी जो दो ड्रैगन हम लोग को यहाँ पे मिले हैं उनको चला के देखते हैं कि ये कितने ज़्यादा खतरनाक है मेरे दोस्तों। चलो आ जाओ, इसके ऊपर सैडल लगा दे। अगर ये खतरनाक टॉर्पोर दे रहा है तो मैं इसका हाई लेवल वाला वेरिएंट टेम करूंगा, ठीक है? अभी मैंने लो लेवल का ड्रैगन टेम करा। ओ भाई इसकी आंखें देखना ग्रीन ग्रीन कलर की। अगर इसका टॉर्पोर देने की एबिलिटी एकदम एक नंबर सुपर से भी ऊपर हुई तो हम लोग इसका हाई लेवल मैक्स लेवल वाला वेरिएंट टेम करेंगे, ठीक है? अटैक की बात करें, इसके पास वाइड अटैक है। ओ यस, पॉइजन फायर बोलते ब्रो, फायर पॉइजन फायर और नॉर्मल फायर भी है। ओए ये क्या है? अरे बाप रे भाई साहब, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक वाला कोई पॉइजनस अटैक लग रहा है मुझे। और कुछ नहीं, बस इतने में इतना ही मिलता है ड्रैगन भी लाइक, ठीक है? रुको जरा, इस ड्रैगन की पावर हम लोग को अगर देखनी है तो इसको लेवल अप भी करना पड़ेगा, तो फटाफट से मैं इसको लेवल अप कर देता हूँ। इसके वेट में मिली डैमेज में थोड़े से पॉइंट हम लोग डाल रहे हैं और देखते हैं गाइस कि हमारा ये ड्रैगन यहाँ पे अभी क्या कर पाता है थोड़ी सी लेवल अप करने के बाद, ठीक है? इसका डैमेज कितना जा सकता है? मिलियंस में जाएगा मैं भी, मिलियंस में तो नहीं गया। स्पाइक ग्लास चालू कर लेता हूँ, टॉर्पर वाली एबिलिटी। अब तो खटास हो गया भाई, हमें तो भगवान के पास पहुंच गया। अरे मुझे टॉर्पर एबिलिटी चेक करनी थी, मरवाना नहीं था। फायर भाई, फायर का डैमेज कम है, 300 का डैमेज मिल रहा है फायर अटैक का। वो पॉइजन अटैक का भाई 1.5 लाख का डैमेज पड़ रहा है लगभग। और ये एक्स वाला अटैक जो था वो पॉइजनस बाइट, वो 70,000 का है, ठीक है? रुको, मुझे कोई ऐसा डायनो ढूंढना है जिसका भाई हेल्थ है ना काफी तगड़ा वाला। कोई नहीं, मैंने बेहोश कर दिया। ओ भाई 3 लाख का टॉर्पोर, ये देखो फ्लेमिंग पीटी को नॉकआउट कर दिया मैंने। वैसे मेरे पास फ्लेमिंग पीटी पहले से पड़ा हुआ है क्या? देखो जरा फ्लेमिंग, कौन कर रहा है भाई? पता नहीं भाई कौन कर रहा है, रुको मुझे इसको टेम करना है। इसके लिए मुझे रेगुलर किबल इसको खिलाना पड़ेगा। रुको गाइस, मैं रेगुलर किबल भाई बनाता हूँ और हम लोग हमारे पीटी को इस खिला देते हैं। हमारे पास एक फ्लेमिंग पीटी आ चुका है भाई, भाई काफ़ी तगड़ा टॉर्पोर दे तो रहा है यार ये। मुझे नहीं लग रहा इसका हाई लेवल वाला वेरिएंट टेम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विदाउट मैक्स लेवल हुए इसने
इजीली आप है इस पीढ़ी को नॉकआउट कर दिया। तो हाई लेवल वाले वेरिएंट की जरूरत क्या है हम लोग को? चलो हमारे पास एक फ्लेमिंग पीटी भी आ चुका है। आज तो डायनो पे डायनो। ओए बैट, ओए बैट, मत बेच क्या बैट के बच्चे मेरे को। भाई यहाँ पे काटने के लिए आ रहा था, तेल डाला इसको। नाइस सर, नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। मैं इसका डैमेज और बढ़ा सकता हूँ, बट उससे ना सीन क्या हो जाएगा पता है यहाँ पे? मैं इसकी हेल्थ भी बढ़ा देता हूँ। मैं डैमेज में ज़्यादा पॉइंट नहीं डालूंगा, वरना ना यहाँ पे इसका डैमेज इतना हो जाएगा कि नॉर्मल डायनोस को नॉकआउट नहीं कर पाएगा। ये कौन है मिथिकल वाला डायनो? इजी पीजी बेहोश। अच्छा बेहोश नहीं हुए, भगवान के पास ही पहुंच गए सीधा। ठीक है रुको, ठीक है रुको, मुझे थोड़ा ऐसा डायनो दिखाओ जिसका टॉर्पर एकदम तगड़ा हो और इसका भाई हेल्थ भी एकदम खतरनाक वाला हो। कोई है क्या डायनो यहाँ पे? मैं उसके ऊपर अपने भाई फायर ड्रैगन को चेक करूंगा। ये क्या चार्ज जार भाई मैं जागो रही क्या ब्रियो? नहीं 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 नहीं, मर जाएगा ये, मर गया मर गया। ये क्या हुआ? मैंने कुछ करा भी नहीं भाई। व्हाट? अबे इसने भाई इन लोग का घर उड़ा डाला। उलाला जिंगाला हूँ भाई ड्रैगन। दिस ड्रैगन कैन ब्रेक स्टोन्स। अरे कॉमेडी में ब्रो, सच में अब मैं डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड। यहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले घर था पता है आपको, वो गायब हो चुका है क्योंकि हमारे ड्रैगन ने उस घर की बैंड बजा डाली है फुल। मेटल नहीं तोड़ सकता मैं, मैं यहाँ पे स्टोन तोड़ सकता हूँ और मैंने स्टोन तोड़ के पूरा घर उड़ा डाला भाई साहब। ठीक है नाइस नाइस नाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड गाइस। रुको कोई यार टॉर्पर चेक करने के लिए डायनो मिल जाता तो मजा ही आ जाता यार, मजा ही आ जाता। ये नहीं बंदर, हाँ मेरी जान ब्रो, मुझे बंदर बंदर पॉइजन अटैक आएगा। एक नंबर सुपर से भी ऊपर। जीवित पेड़ आ गए गाइस, को इन जीवित पेड़ों को खल्लास कर देता हूँ मैं। खल्लास हो गए क्या? वो हो गए खल्लास, वो मर गए गाइस। पेड़ी भी बढ़ गई इन लोग की। चलो लेट्स गो, मजे ही मजे बॉयज। मेटल नहीं तोड़ सकता ना, आई कैन नॉट ब्रेक मेटल। और व्हाट एक्चुअली आई कैन ब्रेक द मेटल। ये लोग गाइस हो गई रेड, जो बोल रहे थे भाई रेड करो ये लो रेड भाई, वो भी तोड़ दिया, एलिमेंट भी तोड़ दिया। What the hell? इसका भाई फायर अटैक जो है ना गाइस, स्टेक वाला स्ट्रक्चर, स्टोन स्ट्रक्चर, एलिमेंट हैं खल्लास। गाइस यस रेड कर दी तेरे भाई, भाई बोल रहे थे ना गाइस रेड करो ये, तो भाई प्रोफेशनल रेडर है तेरा भाई। भाई घर का नामो निशान नहीं बचा और भाई एक मिनट के अंदर पूरा घर गायब भाई। करता था यार ये, मुझे ड्रैगन काफी पसंद आया गाइस। ये ड्रैगन में दम तो है गाइस, ठीक है, और इसी की मदद से हम लोग आने वाले एपिसोड्स में जाके डायनोस को नॉकआउट करने का काम करेंगे। चलो अब इसको यहाँ पे लैंड कर देता हूँ। अभी आप लोगों ने देख ली गाइस यहाँ पे पॉइजन ड्रैगन की पावर जो कि काफी खतरनाक है, और मुझे पॉइजन ड्रैगन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया भाई, दिल खुश कर देता भाई पॉइजन ड्रैगन ने। रखो अभी हम लोग क्या करते बताएं, ये जो भाई इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड चीज़ें गाइस वो मेरे इन्वेंटरी में लेने तो पहले तो एंड फटाफट से अभी भाई दूसरा वाला ड्रैगन दिखाओ मुझे। इट्स अ पॉइजन ड्रैगन। फायर किधर है? ये वाला है क्या? हाँ ये रहा फायर ड्रैगन। चलो अभी गाइस फायर ड्रैगन की पावर देखते हैं, ठीक है। पॉइजन ड्रैगन देख लिया, अभी फायर ड्रैगन को देखते हैं हम लोग। फायर ड्रैगन के ऊपर गाइस हम लोग को यहाँ पे लगा देना है सैडल लाइक दिस, ऑलराइट। और ये रहा हमारा फायर ड्रैगन। हो भाई फायर ड्रैगन की गाइस लाल लाल आंखें देखो, इसका वाइट अटैक है। ओ डार्क एनर्जी, ओके। और ये फायर अटैक है और डार्क एनर्जी रिलीज करने वाला एक अटैक है। इसके पास दो फायर है, सी वाला एक फायर अटैक है
और ये एक्सपे भी फायर अटैक है, दोनों सेम ही लग रहे काइंड ऑफ, बट मे बी इनका डैमेज अलग अलग हो सकता है। ठीक है चलो, अभी ये फायर ड्रैगन का ना हेल्थ में ज्यादा पॉइंट नहीं डालेंगे हम लोग, इसके डैमेज में ज्यादा पॉइंट डालेंगे, इसको डैमेज डीलर बना देंगे एकदम खतरनाक वाला। देखते हैं गाइस कि ये ड्रैगन कितना डैमेज यहाँ पे डील कर पाता है। ठीक है आ जाओ चलो। हाँ मेरी जान, थोड़ी ना को फोड़ी ना को प्रियो। वाव भाई इतना ज्यादा डैमेज, वो इसका एक्स वाला अटैक मेन अटैक है। ओके गाइस इसका एक्स वाला अटैक मेन अटैक है ना। अबे कौन सा अटैक, सारे इसके फायर अटैक 400-400 का डैमेज दे रहे हैं। सच में इसके सारे फायर अटैक 400-500 का डैमेज दे रहे हैं भाई, मिली डैमेज में पॉइंट डाल दे। ड्रैगन को क्या टट्टी बना दी तुम लोग, रुको हाँ दिखाओ अभी डैमेज दिखाओ। 700 डैमेज सी पे, 700 डैमेज एक्स पे। बाइट अटैक खाली गई इस ड्रैगन का ज्यादा डैमेज दे रहा है। फायर और पॉइजन ड्रैगन दोनों को कंपेयर करें तो मुझे पॉइजन ड्रैगन ज्यादा पसंद है, फायर ड्रैगन में उतना दम नहीं है। इसके फायर अटैक काफी ज्यादा घटिया है, इनके इसके फायर अटैक का डैमेज जो ना कहीं तो जा भी नहीं रहा, इसके बाइट अटैक का ज्यादा डैमेज जा रहा है, 2-3 लाख का डैमेज जा रहा है, उतना भी ज्यादा नहीं है, बट ठीक है चलो काम बन जाएगा। बट मुझे कहीं से फायर ड्रैगन उतना कहीं कूल नहीं लगा। ठीक है आप बताइए बाकी। ओ यहाँ पे कूल कूल लाइन करा ये गोलेम सर जी जो है कौन से वाले हैं, डीमन गोलेम कोई झिंगालाला होगा ये भाई। हटो रे हटो हटो हटो, डीमन गोलेम है कहीं, डीमन गोलेम इज द ओके। जिंदगी में देखा है डीमन गोलेम नहीं, आज देखो मेरे को डीमन गोलेम है भाई, मारना बिरना नहीं कोई गोली हारो मार रहा। अरे भाई इसके आग लगना बावड़ा हो गए के, ओ पत्थर मार रहा तेरी बेस, क्या पत्थर मारता है दुख क्या। पॉइजन अटैक वर्क ना कर रहा डीमन गोलम के ऊपर। ओके निकालू क्या मेरा, हाँ भाई चल भाई चल ना, ये वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, एक मिनट रुक जाओ गार्डियन वुल्फ निकाल दें कि मेरे प्यारे प्यारे से ड्रैगन का ना यहाँ पे डैमेज ज़्यादा जा रहा है पॉइजन वाला, बट लेट मी ट्राई वंस। अरे मर ही गया भाई वो नहीं भाई यार मेरे को चाहिए था, छोड़ो कोई ना चलो आ जाओ करो इसको क्रायो, है तो पावरफुल लेकिन भाई टॉर्पर भी बिगड़ा देता है अपना ड्रैगन, बट हेल्थ जो ना कि सामने वाले की वो 2-3 लाख होनी चाहिए तब जाके कुछ होएगा, वरना नहीं भाई, वरना तो डायरेक्टली भाई टिल ही जाएगा वो, जैसे कि एक गोलेम टिला है। चलो कोई ना एक काम करो, अभी हम लोग को एक और गोलेम मिला था ड्रैगन फायर वाला, उतना खास मुझे लगा नहीं, उसके फायर अटैक जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई उम्मीद थी वो अटैक्स काफ़ी ज़्यादा घटिया निकले, तो मुझे उतना ज़्यादा कुछ कूल लगा नहीं। अभी देखते हैं कि हम लोग गोलेम, अभी ये मत बोलना कि गोलेम का भी अलग से सैडल बनाना पड़ेगा। गोलेम इसका नाम है भाई गोलेम, ठीक है गोलेम का नाम ही क्या है भाई, इसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा अजीब है यार यहाँ पे, इसका नाम है बोहल्डर गोलेम भाई। इसका सैडल कहाँ पे बनेगा, BOH यार गोलेम वेपर गोलेम, ये क्या चीज़ है भाई, यूज दिस हैंड टू समन द फेन गोलेम, अरे रे 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 उड़े बाबा हो जे, मेरे पास चीज़ें नहीं है ठीक है बट फिर भी वाओ भाई यहाँ पे मैं गोलेम से गोलेम बना सकता, कौन सा गोलेम है, ब्लैक पर्ल डस्ट चाहिए यार भाई, गोलेम से गोलेम है यार हैं, आयरन गोलेम ओके गोलेम कर फिशन गोलेम, ये क्या क्या गोलेम है भाई यहाँ पे, कैसे अजीब गरीब गोलेम है यार यहाँ पे, वो एक गोलेम बनाने के लिए सामान तो खींच भी लिया मैंने। रुको भाई इसको मैं नॉर्मल गोलेम का सैडल पहना के देखता हूँ कि भाई पेन ड्राई कि नहीं भाई साहब, भाई गोलेम ही गोलेम्स गाइज हर जगह पे गोलेम ही गोलेम, रुको भाई यहाँ पे सामान डाल दिए
ये गोलेम बनाने का कुछ सामान है, यहाँ पे डाल देता हूँ। रुको, ये डायमंड कहाँ से मिला मुझे पता नहीं भाई। ये गोलेम का सैडल अगर इसके ऊपर नहीं लगा तो फिर पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ इस तरीके से। इसके ऊपर राइड कर लो। हाँ मेरी जान, अटैक। ओके, नॉर्मल और अंतर और रिंगा रिंगा रोजेस। ओह, मिनियन बुला रहा है अपने गोलेम। नाइस नाइस नाइस। ओके, आई लाइक दिस गोलेम गाइस। ठीक है, रुको, चलो गाइस इस गोलेम का जलवा देख लेते हैं कि गोलेम कितना ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पे। ठीक है, इसके हेल्थ में पॉइंट डालते हैं। अभी बचे हुए सारे पॉइंट हम लोग इसके मिली डैमेज में डालेंगे और चल के देखते हैं कि ये गोलेम यहाँ पे अपना कितना डैमेज दे पाता है। इसकी मूवमेंट स्पीड तो काफ़ी स्लो है और दिखने में तो रबर गोलेम की तरह लग रहा है। येल्लो डैमेज, फॉल डैमेज काफ़ी तगड़ा पड़ा है यार इसको। ठीक है, चलो पत्थर इकट्ठा कर सकता है, कर रहा है, कर रहा है, पत्थर तो इकट्ठा कर रहा है। डैमेज की बात करें 7000। ओके ओके, काफ़ी कम डैमेज यार। सोचो लेवल के मिनियन है, इनका हेल्थ कितना है? 4000 तो मेरे मिनियन का हेल्थ है, एक पटके में मर जाएंगे यार मेरे मिनियन। ओके, नो प्रॉब्लम हो भाई, नो प्रॉब्लम हो। पत्थर फेंक के देखूँ गाइस कि मेरे पत्थर का डैमेज कितना जा रहा है। कछुए के ऊपर पत्थर फेंकता हूँ मैं, इसका कलर भी नहीं रहा। हमें कितने नजदीक से मारू और आए 1500 सच में भाई, इतना कम डैमेज। अरे बिजली के झटके मत दे, रुक जा थोड़ा सा, ये थोड़ी लेवल अप तो करने देता है यार। तीर ही बीस क्या स्टन कर दिया, पट्ट से हेड शॉट, पट्ट से हेड शॉट। अबे मेरे मिनियन कहाँ गए? अरे मिनियन, अरे मेरे मिनियन तो मर के लग रहा है। ये मिनियन बुला ले वापस से। मिनियंस कम ऑन, सेव मी, सेव मी मिनियंस। भाई 300 का डैमेज दे दे के इधर उधर धकेल रहे इसको। ले पट्ट से पत्थर अटैक। अबे मेरे को मार रहे हो या उस कछुए को मार रहे हो रे तुम लोग? अबे किसको मार रहे हो? मारो 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 मारो। जे बात ये, चलो उसके साथ अभी फुटबॉल खेलेंगे हमारे गोलेम्स भाई। ठीक है, उसके साथ फुटबॉल खेलेंगे, चलो अच्छी बात है। गाइस ये गोलेम उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना हम लोग ने सोचा था, लेकिन ठीक है भाई। स्लो मोशन मारने लग गया अचानक से। ओ, उसको स्टन वाला अटैक पड़ा है ना, इसलिए स्लो मोशन मार रहा है। देखना, स्टन अटैक पड़ा है इसलिए स्लो मोशन मार रहा है। लेकिन ठीक है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। और हमारे कलेक्शन में एक और नया डायनो ऐड हो चुका है। सो आज जो भी डायनोज हम लोगों ने पकड़े, तो ड्रैगन और एक गोलेम, उसमें से पॉइजन ड्रैगन मुझे सबसे ज़्यादा कूल और यूजफुल लगा, जिसकी मदद से हम लोग फ्यूचर में काफ़ी सारे हाई टॉर्पर वाले डायनोस को, बॉसेस को टेम कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये वाला जो हमारा एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क सुपर मेगा मॉडेड सीरीज का, वो ये पे खत्म हो जाता है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड अगर आप लोग को आर्क की अलग अलग और वीडियोज और सीरीज देखनी है, नीचे गेमिंग भी दैनिक चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग गेम्स की आर्क की सीरीज। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।